चंद्रपूर या गावात आजच्या या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचे संयोजक जफर हुसेन साहेब ज्यांनी आपणाला विशिष्ट मार्गदर्शक डॉक्टर वेणुगोपाळकर व इतर अधिकारी कर्मचारी शेतकरी बंधू हे समन्वयाचं काम ज्यांनी घडवून आलं अगोदर मी मुजफ्फर हुसेन साहेबांना आभार व्यक्त करतो आणि ही संधी वारंवार किंवा कदाचितच येते. या कार्यक्रमात वर्धेतून माननीय रणजित कांबळे साहेब माजी मंत्री आणि आमदार थोड्या दुरून फक्त शेतकऱ्यांच्या अशा कामाकरता उपस्थित झाले. ती कळकळ किंवा ती समजून घेण्याची भावना ती त्यांच्यामध्ये जाणवली त्यांचं सुद्धा मी स्वागत करतो. आणि म्हैसूरवरून आलेले डॉक्टर वेणुगोपाळजी अत्यंत साधी राहणीमान म्हणजे बाहेर जर फिरायला गेले तर तुम्ही ओळखू शकणार नाही असे डॉक्टर्स आहेत त्यांचं स्वागत करतो. सलीम साहेबांचा परिचय मुजफ्फर हुसेन साहेबांनी करून दिला. मागच्या 4 वर्षापासून मी इथं येतोय पण त्यांची भेट माझी काही प्रत्यक्षात झाली नाही. यासोबत शिरपूर धुळेवरून आलेले गौरी शंकर राव साहेब त्यांचं जे प्रायव्हेट ऍग्रिकल्चरचं काम चालू आहे ते सुद्धा उपस्थित आहे त्यांचं स्वागत. यासोबत या कार्यक्रमाचं संयोजन नरेंद्रजी बरोबर आणि आमच्या मागच्या 35 वर्षापासून डिपार्टमेंटला काम करत असतात ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये काम करताना 17 वर्षापासून मी हे सुभाष वाडकर नॅशनल फार्मिंग याचा प्रचार आणि प्रसार काम करण्याचं अजून एक प्रयत्न चालूच आहे. या कार्यक्रमास आलेले बराटे साहेब पाटील साहेब आणि गोडघाटे मॅडम सोबतच ही आमच्या मातृभगिनी कर्मचारी अधिकारी शेतकरी होत सुभाष पाडेकर नॅचरल फार्मिंग मध्ये जेव्हा या पद्धतीच काम घेण्यात आलं एक विरुद्ध प्रवाह म्हणजे शासन एकीकडे आणि ही पद्धत एकीकडे या पद्धती 2003 पासून येण्याचा प्रयत्न केला जाणून घेतलं काय आहे काय नाही आणि आपण काय सांगतो शेतकऱ्याला आणि कशाला तर एक लक्षात आलं की आपण जे सांगतोय ते पुढच्या भावी पिढीसाठी काही योग्य नाही. पिढीसाठी तर योग्य नाहीच आहे पण या व्यतिरिक्त या पर्यावरणासाठी सुद्धा घातक आहे. आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा मैं हिंदी में बात करता हूं. तो इस इकोसिस्टम को हम लोग हम ही लोग सीखे और समझदार लोग हम लोग खराब कर रहे. गांव का आदमी खराब नहीं कर रहा. जब ट्राइबल एरिया में मैं घूमता था तो वहां इकोसिस्टम नजर आते लेकिन शहरों में वो इकोसिस्टम नजर नहीं आता. इकोसिस्टम तो हमने खराब कर दी
साथ में जमीन जंगल जीव इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद करने के ऊपर में तुले हुए हैं। और ऐसे सोचते सोचते छोटे गांव में रहो बड़े गांव में रहो, मेरा करीब 2005-6 से लेके कंटिन्यू मेरे किसानों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे। मेरा खुद का 5,000 रुपये महीने का खर्चा ट्रैवलिंग किसानों के लिए मैं समर्पित करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि भगवान के मंदिर में चढ़ाए हुए जो पैसे वो मैं अर्पण कर रहा हूं किसानों के, उनकी सेवा। तो मुझे उस वक्त कई साथियों की भी जरूरत पड़ती थी, और इसके साथ में पालेकर जी भी के साथ में उनका भी अस्तित्व इसी प्रकार से है, खुद बस से जाते हैं, खुद ट्रेन से जाते हैं, और उस तरीके से उनका साथ भी मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सीखा और अपने भी सीखने की कोशिश की। तो थोड़े से मैं मेरा अपना परिचय बताया। यहाँ मैं कदीमबाग नर्सरी नागपुर का इंचार्ज था 2015-16 की बात। अब दो महानुभाव मेरे नर्सरी पे आया, मैं जानता भी नहीं था, मुझे पड़ोसन साहब को जानता ही नहीं था, अविनाश पांडे साहब को भी नहीं जानता था, क्योंकि पॉलिटिकल से थोड़ा सा रिश्ता दूर दूर रहता, क्योंकि गांव में जाना किसानों के साथ काम करना। तो वे लोग जब आए तो मैं बोला नेचुरली जैसे लोग आते हैं विजिट करने के लिए वैसे ही आया। लेकिन तब जब उन्होंने जानकारी लेना मुझसे चाहा और उनकी जो डेप्थ मैंने समझी किसानों के लिए, वहां से शुरुआत हुई। तब शुरुआत की, ये जो पेड़ यहाँ पर जितने भी लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये डिजाइन जो है ये इसी तरीके से इंडो इजराइल पैटर्न के हिसाब से ये डिजाइन तैयार किए। लेकिन एक चैलेंज था कि इस बंजर जमीन को हम लोगों ने हम अपने लायक बना सकते हैं विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। तो उस समय बात तो वही चल रही थी कि एक गाय 30 एकड़ की खेती। तो ये सब जो आप यहां देखेंगे कि एक किसान बड़ा भी किसान रहा वो भी कर सकता है, छोटा किसान रहा वो भी कर सकता है, लेकिन मेरा एक सपना जो था कि एक किसान 1 एकड़ में 3 लाख रुपए कमा सकता है या नहीं कमा। ऐसे करीब 100 के ऊपर मॉडल्स जो है हम छोटे किसान से लेके बड़े किसान तक हम लोग दिखा सकते हैं। आज के पोजीशन में यहां भी कुछ किसान आए हुए हैं कि जो अपना जीवन यापन सिर्फ खेती के भरोसे, जिसमें कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आज भी कमा रहे और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, सिर्फ एक गो आधारित खेती सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के द्वारा। तो ऐसे मॉडल जो है, ऐसे मॉडल हम लोगों ने खड़ा किया है यहाँ पे, और ये जो मॉडल है वर्धा में है, नागपुर में है, अमरावती में है, कुछ पार्ट में चंद्रपुर में है, भंडारा में है, गोंदिया में है। तो करीब मेरा 2000 किसानों से संपर्क आज भी होता है इनडायरेक्टली, जाना हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहां कुछ नया सीखने की राह मिलती है वहां जरूर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि जो हो सकती या नहीं हो सकती, इस पर अभी भी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन ये मॉडल्स खड़े हुए हैं। आप चाहे तो कोई भी क्रॉप का मॉडल जो है आप, मैं दिखा सकता हूं आपको। आज का जो विषय था ये था स्पाइसेस के ऊपर। हम लोगों ने स्पाइसेस में हल्दी भी लिया है, वायगांव हल्दी लिया है, मिर्च लिया है, अदरक लिया हुआ है, और एक 4 साल पहले हम लोगों ने ब्लैक पेपर भी लाने की कोशिश की,
मैंने करीब 10,000 प्लांट्स लाए थे अक्टूबर के, और वो अलग अलग किसानों को दिया था मैं। लेकिन उसकी टेक्निकल पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तब वो मन हम लोगों ने बना लिया कि ये स्पाइसेस नहीं हो सकते। इसके अलावा मैंने 25 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट भी लगाया था, और ये मेडिसिनल प्लांट हमारे तरफ हो सकते हैं, अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने वाला कोई नहीं, मोनोपोली रहती, 2 या 3 लोग लेते हैं, और हम लोगों को रेट्स जो है उसके रेट्स नहीं मिल सकते। तो ऐसे कई प्रयोग हम लोगों ने किया, और आप यहां पर जो देख रहे हैं कि सिर्फ जीवामृत, ध्वजामृत और दशपर्णिहर, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, आज की यहां की पोजीशन ऐसी है कि पिछले साल कि जीवामृत क्या काम करता है। जीवामृत ये काम करता है कि जीवामृत के जरिए हम लोग कई बैक्टीरिया और इकोसिस्टम को काम को लगाते हैं, और उसके एक माइनर है वो है अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ अगर आपके जमीन में काम कर रहा है, लाखों मजदूरों का काम वो अकेला केचुआ करता है। पिछले साल का यहाँ का एक्सपीरियंस मुजफ्फर भाई ने नहीं बताया कि पानी जितना भी गिर रहा है अभी इस जमीन में, तो पानी बह के नहीं जा रहा, पानी यहीं के यहीं परकोलेट हो रहा है, और उसके वजह से वाटर लेवल जो है वो वाटर लेवल बढ़ते जा रही है। एक केचुआ हमने जो ऑब्जर्व किया है, एक केचुआ करीब 10 फीट तक जमीन में खोदता है, 10 फीट, एक छेद से जाता है दूसरे छेद से बाहर आता है। एक स्क्वायर फीट में आपको 4 महीने के अंदर आपके यहां अर्थवर्म तैयार हो जाता है। वो जस्ट उसी तरीके से है जैसे कि हम लोगों ने गुड़ रखा, और गुड़ रखने के बाद में हम लोग देखते हैं कि आधे घंटे में मक्खी आ गई है और चींटियां भी लग गई। तो वही सेंसर काम करता है कि जब हम लोग जीवामृत का एप्लीकेशन करते हैं और हमारे जमीन में जब डालते हैं, तो केचुए की पैदावार जो है ये बहुत तादाद में बढ़ती है, और जमीन को खोदने का काम ये केचुए करते हैं। अब जमीन को अगर 10 फीट खोद दिया तो फिर तालाब हमारे जमीन के नीचे आ गए, और ऊपर में हमारा बगीचा खड़ा है। तो ये जो सिस्टम डेवलप हो जाती है ये बहुत मायने रखती है, और इसका ये ऑपरेशन जैसा कि मुजफ्फर भाई ने बताया कि पानी का जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाता है। पालेकर जी तो कहते हैं कि 10% पानी की सिर्फ जरूरत है हमारे, लेकिन कौन से पेड़ को कितना देना चाहिए, कौन से पेड़ लगाना चाहिए, ये जो चीजें है ये आप अगर यहां घूमेंगे, जब जिक्र हुआ कि गन्ने को कितना पानी दे और गन्ने का टनेज क्या आ रहा है, उसका TSS क्या निकल रहा है, ये सब चीजें जो है ये समझना किसानों को भी जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स जो है ये मॉडल्स हम लोग खड़े कर सकते हैं, चाहे किसान 1 एकड़ का हो, चाहे 10 एकड़ का हो, चाहे 20 एकड़ का हो, या 50 एकड़ का हो, या 200 एकड़ का हो। हर किसान की अपनी अपनी एक जगह होती है कि जिसको जो बनाना है उस तरीके से हम लोग उस किसान को डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये अगर 150 एकड़ का फार्म है तो भाई 1 एकड़ वाला किसान कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ऐसे भी मॉडल है अपने पास कि जो 1 एकड़ में भी कर रहा है, 5 एकड़ में कर रहा है, 10 एकड़ में कर रहा है, हर टाइप के मॉडल है। हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर, मतलब किसान जो अपनी तरीके से उगाता है उसकी बिक्री व्यवस्था भी हम लोगों ने नागपुर में शुरू की है। 2015 से हम लोगों ने नागपुर नेचुरल इस शॉप को डेवलप किया, और वहां डायरेक्ट किसान लेके आता है, दुकान का खर्चा जोड़ के कंज्यूमर को हम लोग दे देते हैं। मतलब बिक्री व्यवस्था भी जो है पिछले 5 सालों से हम लोग ये नागपुर नेचुरल के माध्यम से कर रहे हैं। इसकी परिणति क्या हुई
इसकी परिणति ये हुई कि 2015 में नागपुर नेचुरल शुरू हुआ और शुरू होने के बाद में 2017 और 18 से महाराष्ट्र के 10 जिलों में अलग अलग नेचुरल्स खुले, अलग अलग नेचुरल्स खुले। ये अलग अलग नेचुरल्स क्या है, तो मैंने नाम दिया नागपुर नेचुरल्स क्योंकि मैं नागपुर में काम कर रहा हूं, तो भाई नाम किसका होना चाहिए, नागपुर का होना चाहिए, तो मैंने रजिस्टर्ड हो गया हूं नाम नागपुर नेचुरल्स। वैसे ही किसानों का एक समूह जो है अमरावती से आया, उन्होंने अमरावती में अमरावती नेचुरल्स करके चालू किया, उसके बाद में औरंगाबाद नेचुरल्स चालू किया, उसके बाद में नासिक नेचुरल चालू है, बारामती नेचुरल्स चालू है, जलगांव नेचुरल चालू है, हिंगनघाट जैसे इलाके में हिंगनघाट नेचुरल्स जहाँ की आबादी 1 लाख है वहां भी हिंगनघाट नेचुरल्स चालू किया था लोगों ने। तो इस तरीके से फार्मर टू कंज्यूमर मतलब किसान से ग्राहक, ये जो कंसेप्ट है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज हमारा किसान जो है, यहाँ कई किसान है जो अपना उत्पाद जो है ये उस तरीके से बेच रहे हैं। सादे चावल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चावल जो है हमारा किसान 70 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए कमा रहा है चावल किसानों को डायरेक्ट, और उसपे हम लोग 30% मैनेजमेंट कॉस्ट करके जोड़ते हैं। समझ लीजिए किसान को हम लोगों ने 80 रुपए किलो दिया चावल का, 8 या 24, 25 रुपए हम लोग मैनेजमेंट कॉस्ट जोड़ते हैं और 110 रुपए में बेचते हैं हम लोग कस्टमर को। ये ट्रस्ट है। इस तरीके से जो है बिक्री व्यवस्था जो है इस तरीके से अलग अलग जिलों में बिक्री व्यवस्था हमारी चालू हुई। मेरा मानना है कि किसी भी तालुका प्लेस पे अगर 1 लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी, उसमें से 1000 फैमिलीज आपको ऐसे मिलेगी कि जो टोटल नेचुरल प्रोडक्ट खरीदने की चाह रखते हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है वो। मतलब महाराष्ट्र के हर तालुका में जहां 1 लाख की आबादी है वहां करीब 30 लोगों का एक ग्रुप किसानों का ये डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर सेल कर सकते हैं। हम लोगों ने जो आइडियाज इसमें लिए है कि हम लोग ग्राहकों तक कैसे पहुंचे, तो ये भी हम लोगों ने पिछले 5 सालों में अपने किसान भाइयों के साथ में मिलके हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें भी प्रयास किया, खुद ही सीखे। तो इसमें एक जुनाइन क्वालिटी जो है, एक जुनाइन क्वालिटी हम लोग अपने ग्राहकों को आज दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है कि किसानों को एक गाय के ऊपर से पूरी खेती और उसका पूरा विपणन मतलब मार्केटिंग ये भी हम लोगों ने करके दिखाया। तो ज्यादा हमको निर्भर होने की जरूरत नहीं है, और बाद में हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाए, पहले काम करके दिखाए, पहले काम करके दिखाए और बाद में हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाए कि ये चीज हम लोगों ने करके दिखाई है, अब आप हमें कुछ योजनाएं होगी तो वो योजनाएं आप हमको प्रोवाइड कर सकते। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहले ग्रुप जो है मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में ही होगा और ग्रुप में करने से ही होगा। तो इस तरीके से एक संक्षेप में मैंने ये सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में इस तरीके का हमारा फार्मर टू कंज्यूमर ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्य रूप से आज जो महान दो व्यक्तियों को हम लोगों को सुनना है, डॉक्टर वेणुगोपाल जी और श्री सैयद सलीम जी, इन लोगों को ज्यादा ज्यादा हम लोग सुनेंगे ऐसी आशा करते हैं। हम लोग मैं तो आप ही के इधर के इलाके का हूँ, ये लोग बड़े दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग उनको ज्यादा सुनना प्रिफर करेंगे। तो इतना बोल के मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।